पाली अर्बन बैंक की 33वीं वार्षिक आम सभा, 1600 अंशधारियों ने लिया भाग। पाली अर्बन को ऑपरेटिव बैंक ली की 33वीं वार्षिक आम सभा रविवार को अग्रसेन वाटिका में आयोजित की गई, जिसमें से 1600 से अधिक अंशधारियों ने भाग लिया। बैंक अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 का प्रस्तुत करते हुए बैंक के चहुंमुखी विकास के संदर्भ में संचालक मंडल की रूपरेखा एवं बैंक के विकास हेतु किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। संचालक मंडल द्वारा 10% की दर से लाभांश की घोषणा की गई, जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 10% से लाभांश स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। जैन ने बताया कि बैंक ने बैंकिंग गतिविधियों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया है। बैंक ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे अपने मोबाइल द्वारा कुछ ही क्षणों में भुगतान व बैंक में UPI व भीम सुविधा, ATM मशीन तथा डेबिट कार्ड की सुविधा, ई स्टेटमेंट सुविधा भी प्रारंभ की, जिससे ऐसे अल्प कार्य के लिए उन्हें बैंक की शाखा में आने की जरूरत नहीं है। बैंक की मुख्य शाखा व औद्योगिक क्षेत्र शाखा नए भवन में स्थानांतरित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। बैंक के प्रबंध संचालक फतेह सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बैंक अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का उपयोग करने वाले ग्राहकों को समय समय पर साइबर हमलों के प्रति सजग रहने हेतु SMS भिजवा रही है। साथ ही संभावित साइबर हमलों से बचने के लिए बैंक ने 1 मिस कॉल 0794105578 जारी किया है, जिस पर अपने से मिस कॉल देने से ग्राहक द्वारा उपयोग में ली जा रही डिजिटल बैंकिंग सेवाएं स्वतः बंद हो जाएगी। राजपुरोहित ने बताया कि शीघ्र ही बैंक की नई शाखा अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में खोली जा रही है। इस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा लाइसेंस प्राप्त होते ही शाखा खोलने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। बैठक में वर्ष 2022-23 में लक्ष्य पूर्ण करने वाली मुंडिया रोड शाखा के महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक कमलेश कुमार अरोड़ा और क्षेत्र शाखा के शाखा प्रबंधक अशोक ओझा, सुमेरपुर शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विजय सिंह राजपुरोहित, जैतारण शाखा के शाखा प्रबंधक कैलाश चंद्र कुर्डिया एवं जोधपुर शाखा के शाखा प्रबंधक श्याम मनोहर अरोड़ा एवं शाखाओं के कर्मचारियों को संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मदन लाल भाट प्रबंधक ऑडिट वसूली, परशुराम चौधरी तत्कालीन प्रबंधक वसूली को वसूली कार्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु, भीमराज सांथला प्रबंधक ऋण, हितेश अरोड़ा को ऋण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु, अनिल अरोड़ा को म्यूचुअल फंड में उत्कृष्ट कार्य हेतु, श्री नरेश तिनवानी को तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु, महेंद्र सिंह इंदा को कठोर परिश्रम के आधार पर मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दीपेश अरोड़ा को CA अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अंशधारी कल्याण कोष के तहत उपहार स्वरूप राशि ₹5100 का बैंकर्स चेक देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन कमलेश कुमार अरोड़ा महाप्रबंधक बैंक द्वारा किया गया। वार्षिक आमसभा में उपाध्यक्ष दामोदर शर्मा, संचालक श्रीमती मीरा गुप्ता, कैलाश चंद ठवाणी, प्रवीण धारीवाल, राजेश कुमार बोहरा, कैलाश चंद अखावत, हीरालाल पनवार, रविंद्र कुमार मीना, मनीष जैन, तृप्ति मेहता, ऋतु मेहता सहवृत्त संचालक पायल जैन एवं शांतिलाल जैन सहित बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया।